अयोध्या में आगामी 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। कुछ ही घंटों के बाद रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजेंगे। टेंट से लेकर मंदिर का सफर इतना आसान भी नहीं रहा है। हजारों राम भक्तों के तप, त्याग और बलिदान के बाद वह शुभ दिन आया है। ऐसे में इस संघर्ष में मुजफ्फरपुर के लोगों का भी योगदान रहा है। उनमें से एक है साहू रोड के रहने वाली समाज सेवी अजय चौहान, जो कार सेवक बनकर अयोध्या गए थे। कार सेवा के दौरान काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। शुक्रवार को मुजफ्फरपुर नाव की टीम जब उनसे बात की तो वो भाव विभोर होकर उन्होंने बताया कि मंदिर बन रहा है तो मन में शांति मिल रही है। अब राम जी का काम हो गया। लंबे संघर्ष के बाद 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। यह बहुत ही खुशी व गौरवान्वित करने वाला क्षण है। हम सभी देशवासी उस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। है दिया गया था लाल गुलाब जब हम लोग 90 में पहुंचे थे, जिस समय मुलायम सिंह यादव कहे थे कि है सो अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, तो भी हम लोग का है सो जुनून और हौसला हम लोगों का कायम था और हम लोग है सो जाने के लिए एकदम निकल चुके थे। लोगों को समझे कि ईश्वरीय शक्ति उस समय मिली थी जब हम लोगों ने शिला पूजन से शुरुआत हुआ, और शिला पूजन का शुरुआत ही शायद रामायण के काल में ही है। शिला पूजन का जो राम लिखा हुआ है सो ईंट हम लोगों ने गांव-गांव तक है सो पूजन करवाया। विश्व हिंदू परिषद का यह कार्यक्रम तय था, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसमें मिल गए, लेकिन है सो हम लोग लगातार संघ के स्वयंसेवक, भारतीय जनता पार्टी के स्वयंसेवक और भारत ने संघ के पूरी इकाई एक साथ लग करके और पूरे भारतवर्ष में एक लहर पैदा कर दी और शिला पूजन हुआ। शिला पूजन के बाद तब है सो आपको कार सेवक के रूप में हम लोग 90 में वहां पर मंदिर का निर्माण के का दिन का तय हुआ। क्या दृश्य था जब वहां? दृश्य तो था, एक ही दृश्य था सबके मन में था कि राम का मंदिर बने, मगर सरकार तो हमारी नहीं थी ना, और लेकिन हम लोग सोचते थे कि शायद हम लोगों को हिंदुओं की बहुसंख्यक भावनाओं को देखते हुए यह कांग्रेस सरकार या अन्य सरकार हम लोगों को मदद करेगी, क्योंकि हम लोगों को हिंदुओं की भावनाओं पर ही हम लोगों का टिका हुआ था कि भाई हिंदू अगर खड़े हो गए तो मुस्लिम चुप रहेंगे, क्योंकि भारत जैसा ही है धर्मनिरपेक्ष देश है, जिसकी ज़्यादा संख्या है उसी को सबसे पहले सो जगह मिलना चाहिए। यह भी बात सही है कि जो सबसे बड़ा बेटा होता है तो उसी को ना सबसे पहले मान सम्मान होता है, तो उसी तरफ सबसे पहले हिंदू यहाँ पर बड़े हैं तो उनको ना मान सम्मान मिलना चाहिए, मगर यह ऐसा नहीं, तुष्टिकरण की राजनीति हुई और 90 में यह है सो कार से ऊपर मुलायम सिंह यादव है सो लालू यादव ने है सो आपको उस समय जो राम रथ लेकर चल रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लालकृष्ण आडवाणी जी, उनके राम रथ को रोका गया। और सुनिए राम रथ को रोकने का क्या था, राम रथ का शुरुआत सोमनाथ से अयोध्या तक हुआ, यानी कि सोमनाथ का दिन भी था और सोमनाथ के दिन से और अयोध्या तक आने का मतलब है कि इसका मतलब ये था कि सोमनाथ ही पहला मंदिर बना था भारत के इतिहास में जिसका शिलान्यास करने वाले हमारे बिहार के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गए थे। उस समय कन्हैयालाल मुंशी जी थे और पटेल जी ने उनको आमंत्रण दिया था कि है सो आपको चलना है सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करना है। आज जो शंकराचार्य बोल रहे हैं कि अर्धनिर्मित मंदिर है इसका शिलान्यास नहीं करेंगे, उस समय भी पूरा मंदिर सोमनाथ नहीं बना था लेकिन फिर भी उसका उद्घाटन हुआ और आज हम लोगों के लिए गौरव की बात है। कितने की टोली में गए थे आप उस समय? हम लोगों की 20-20 की टोली निकलती थी, हम लोगों का कोड होता था, हम लोगों का कोड होता था उस जमाने में 90 में हम लोग जब गए थे तो उस समय का कोड था लाल गुलाब, लेकिन हम लोगों को स्टेशन पर पहुंचते ही मालूम है सो लाल गुलाब वाला कोई नहीं और हम लोगों को पुलिस गुलाब ज़्यादा नज़र आता था। और क्या दृश्य था वहाँ? दृश्य तो था कि एकदम मैंने हिटलर शाही और अंग्रेजों का ज़माना याद आता था, अगर हम लोग भी अगर उस समय शहादत पर अगर होते तो वही दृश्य नज़र आता जो हमारे बुजुर्गों ने झेला है आज़ादी पाने के लिए। हम लोग ये आज़ादी की लड़ाई से भी कम बड़ी लड़ाई नहीं लड़े हैं,
हम वो स्वाधीनता लड़ाई थी, मगर ये संस्कृति की लड़ाई थी। हम लोगों को स्वतंत्रता सेनानी ना कहें, हम लोगों को जो है सो जेपी सेनानी ना कहें, हम लोगों को पूरे कार सेवकों को संस्कृति सेनानी कहें, क्योंकि हम लोग संस्कृति की लड़ाई, अस्मिता की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग ऐसो माने कि गए थे। यानी राम हमारे अस्मिता में है, जीवन में है, और हम इसको याद करने गए थे। आज कैसा लग रहा है इतने वर्षों के लड़ाई के बाद? आज तो हमारी लड़ाई है सो है ही नहीं, लड़ाई को तो हमारा सफल हो गया, और हमारे इसके कर्ता धर्ता आज जो है, आज विश्व गुरु के रूप में हमारे यशस्वी ओजस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का कम से कम ये आया कि कम से कम लोगों में हिंदू की एकता जगी। और आज ऐसा लगता नहीं है, आप चले जाइए, कल आप अपने गाँव में जाइए, आप अपने घरों के अगल बगल में जाइए, तो हर कोई एक जरूर कहेगा कि हमको एक मंदिर बनवाना है। आज आपके किए हुए कार्य सफल मानते हैं उसको? बिल्कुल सफल मानते हैं। क्या नाम होता है? अजय कुमार चौहान, पंडित दीनदयाल उपाध्याय विचार मंच का राष्ट्रीय संयोजक। और ये बहुत बड़ी खुशी हो रही है कि जितने भी कार्य सेवक शहीद हुए उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। सबसे बड़ी बात है कि हम भी कार्य सेवक की बेटी हैं, और मेरा चांस शायद लकी रहे होंगे जो मेरे पापा कार सेवक की लड़ाई को लड़के आए, नहीं तो आज हम भी अनाथ की तरह जीते और मेरे सर से भी पापा का साया नहीं रहता। लेकिन आज हम प्राउड फील करते हैं कि श्री राम जी के मंदिर में मेरे पापा बहुत त्याग करके आए हैं, और उनके अपने दोस्त को भी गवा के आए हैं। काटी के संजय सिंह थे, इन्हीं के सामने वो दम तोड़े थे, और आज या सोचते हैं कि वो दीदी जैसे उनके पापा का हाथ उठ गया, अगर प्रभु श्री राम की कुछ दया हुई होगी तभी मेरे पर से पापा का साया नहीं उठा। लेकिन दुखी तो हमेशा रहेगा कि पापा के अच्छे मित्र चले गए। आज मंदिर का निर्माण भी हो गया, रामलला की मूर्ति भी स्थापित हो गई जी, कहीं ना कहीं आपके पिताजी की उसमें बहुत बड़ी योगदान है, बहुत बड़ी। जो भी मेरे ही पापा का नहीं, जितने भी देश के कार्य सेवक में मारे गए हैं, शहीद हो गए, उन सभी का योगदान आज रंग लाई है। क्या नाम हुआ? मेरा ज्योति सिंह चौहान नाम हुआ। घर में खुशी है? खुशी है, बहुत अच्छी खुशी है। और हमारे क्षत्रिय वंशज के हैं प्रभु श्री राम, तो और बात की खुशी है कि हमारे पूर्वज आ रहे हैं, राम लल्ला आ रहे हैं, तो बड़ी खुशी की बात है। हमारे जैसे हर कास्ट में कैटेगरी होता है, उसी तरह सूर्यवंशी राजपूत हैं हमारे प्रभु श्री राम, क्षत्रिय हैं। और 14 वर्ष जब वनवास काट कर आए थे तो दीपों से सब उनका स्वागत किए थे, लेकिन हमारे प्रभु श्री राम अब इस बार आ रहे हैं 500 वर्ष के बाद, तो क्यों नहीं उत्साह का माहौल रहेगा। और एक एक घर में 5-5 दिए, ज़्यादा नहीं हो सके किसी के पास, 5-5 ही दिए से जलाकर अपने प्रभु श्री राम का नाम ले। जरूरी नहीं है कि आज हम 22 तारीख को उस कार्यक्रम में सम्मिलित हो पाए, उतनी बड़ी बड़ी संख्या में तो जाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन 22 तारीख को अपने ही घर में रख के कण कण में राम बसे हैं दिल में। देखिए तो पहले तो दिल में ही बसे हैं राम, और बाद में ही मंदिर में आते हैं, तो पहले कण कण में है राम, इसीलिए घर पे दिया जला के प्रभु श्री राम का नाम ले। और है ना, इस जो हमारे कार्य सेवक पापा रहे हैं उनकी त्याग बलिदान बहुत बड़ा रंग लाई है, सारा कार्य सेवक का बहुत बड़ा। और इसी वाणी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम